Hi guys, welcome back in another video. तो guys यार आज अपने पास Oppo F23 5G और guys इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि ये मुझे यूज करने में कैसा लगा, क्या इसके अंदर मेरे को खराबी लगी, क्या अच्छा लगा, सब कुछ आज आपको इसके अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। और क्या आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी आज हम इसके वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड गाइस ये स्मार्टफोन लॉन्च होने से 1-2 दिन पहले ही मेरे पास आ चुका था। लिटरली जब भी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो किया था, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस मुझे 2-3 दिन इसे यूज करते हुए चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन की सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस यहां पर अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो गाइस यहां पर आपका जो स्मार्टफोन है पूरा यहां पे आपको पॉलीकार्बोनेट का आपको देखने को मिल जाता है फ्लैट एजेस के साथ में। एंड यहां पे आपको जो एजेस है वो भी मेटल के देखने को नहीं मिलता है, पूरा जो स्मार्टफोन है वो पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। जो बिल्ड क्वालिटी है यहां पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, एंड जो इसका पॉलीकार्बोनेट है आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस पर आपको कोई भी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, ना ही इसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। मैं इसे पिछले 2 दिन से बिना कवर के यूज कर रहा हूं, मेरे को इसके ऊपर कोई भी एक भी सिंगल स्क्रैचेस भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी के अंदर काफी आपको बढ़िया देखने मिल जाता है, डिजाइन के अंदर भी काफी आपको गुड लुकिंग एक स्मार्टफोन देखने मिल जाता है। एंड गाइस ये स्मार्टफोन 2 कलर्स के अंदर अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर के अंदर अपने पास है, गोल्ड कलर के अंदर, ये 2 कलर के अंदर है, और मेरे पास है 8GB 256 वाला वेरिएंट। तो गाइस इसकी प्राइस अभी जब मैं इसका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसकी प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने प्राइस रेंज के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। अगर गाइस ये स्मार्टफोन आपका 20,000 से नीचे अगर ये लॉन्च होता है तो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। बट गाइस कुछ कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम्स है वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में कि मुझे ये डिस्प्ले में कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो गाइस डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस यहाँ पे आपको 120Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इस डिस्प्ले के अंदर मैंने काफ़ी मतलब YouTube वीडियोस भी देखी हैं, मूवी भी एक देखी है, सिटीडल का 4th एपिसोड मैंने इसी के अंदर देखा है, मैं वो वेब सीरीज देख रहा हूँ अभी। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को जो डिस्प्ले की एक थोड़ी सी कमजोरी लगी वो है गाइस यहाँ पर आपको इसके अंदर 4K क्वालिटी सपोर्ट नहीं करता है, उसी के साथ में HDR को भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर गाइस ये स्मार्टफोन 20,000 से नीचे लॉन्च होता है तो काफ़ी बढ़िया है, अगर ऊपर ये जाता है तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 4K सपोर्ट होना चाहिए था, ना ही HDR सपोर्ट करता है। वो इसकी प्रोसेसर की कमी की वजह से, वो आगे बात करेंगे कौन सा प्रोसेसर उसके बारे में। बट गाइस अगर YouTube वीडियोस की बात करूँ तो गाइस मैंने इसके अंदर YouTube वीडियोस भी प्ले करे, वहाँ पर मेरे को कभी कभी ये थोड़ा लैग होता, मतलब कभी कभी या तो इसके अपडेट के साथ में सही हो जाएगा, बट गाइस यहाँ पे जैसे मैं YouTube वीडियो प्ले करता था तो गाइस यहाँ पर मैं जो नॉर्मल क्वालिटी थी 480p वाली, उसके अंदर तो ये इसके YouTube वीडियोस है वो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पे हो जाते हैं। बट गाइस जैसे ही मैं इन वीडियोस को अब फुल साइज में करता हूँ, यहाँ पे 180p जो हाई रेजुलेशन पे उस पर करता हूँ, और यहाँ पे आपको फुल क्वालिटी फुल स्क्रीन पे करता हूँ, तो वो कभी कभी नहीं हो रहा था, कभी हो जाता था, तो मेरे को ये एक इसकी प्रॉब्लम लगी। ये शायद अपडेट की वजह से है, तो जैसे इसका नया अपडेट आएगा ये शायद सॉल्व हो जाएगी। तो और गाइस अगर इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करी जाए तो आपको बेजल्स टू स्क्रीन रेशियो की बात करी जाए तो 90.3.7 आपको देखने के मिल जाती है, तो आपको जो डिस्प्ले आपको काफ़ी आपको ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो डिस्प्ले के कलर्स वगैरह है यहाँ पे आपको 16 बिलियन कलर्स देखने मिल जाते हैं, कलर्स है यूट्यूब वीडियोज़ के, मैंने 4K वीडियोज़ इसके अंदर प्ले करके देखी है, मतलब 4K रेजोल्यूशन वाली 4K इसके अंदर सपोर्ट नहीं करता है, बट वीडियोज़ 180p के अंदर चला के देखे हैं वो, उसके अंदर मेरे को कलर्स वगैरह काफ़ी आपको ठीक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे इसके जो डिस्प्ले कुछ ऐसा आपको देखने मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके शक्तियों की, प्रोसेसर की बात कर लेते हैं कि भाई इसको कौन सा प्रोसेसर शक्तियां प्रदान करता है। तो गाइस इसके अंदर आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन का 695, एंड लिटरली गाइस अगर ये स्मार्टफोन 25,000 तक भी आता है, मतलब 20,000 से 1-2,000 भी ऊपर आता है, तो डेफिनेटली इसे बाय मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर है वो अंडर 20,000 वाला प्रोसेसर है, और लिटरली जो काफ़ी सारे स्मार्टफोन है उनके अंदर तो
ये वाला प्रोसेसर जो 14-15 हज़ार वाले स्मार्टफोन है उनके अंदर ये देखने को मिलता है। अगर ये 25,000 या 21,000 का अगर ये लॉन्च होता है तो डेफिनेटली प्लीज डोंट बाय दिस स्मार्टफोन। इस प्रोसेसर के साथ में ये कोई मतलब नहीं है इसको लेने का, क्योंकि गाइस इसी प्रोसेसर की वजह से ये 4K वीडियोस तो ना ही इसके अंदर रिकॉर्ड कर पाओगे ना ही आप मीडिया के अंदर देख पाओगे। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखने के शौकीन हो, आपको बिल्कुल A to Z वाला कलर्स वगैरह अच्छी क्वालिटी वाले चाहिए तो आपको 4K में ही देखने चाहिए। बट एमुलेट भी नहीं है और 4K भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बट 120 हर्ट्ज़ वाला सही अच्छे से काम करता है। तो और गाइस अगर इस प्रोसेसर के साथ में गेमिंग की बात करी जाए तो गाइस इसके अंदर मैंने गेम प्ले भी करके देखा है। हाँ, इसके अंदर आप गेमिंग अच्छी खासी मीडियम लेवल वाली इजीली आप गेमिंग कर सकते हो। 5G मैंने इसके अंदर कनेक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो 5G के अंदर मेरे को कोई भी ऐसी दो तीन दिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे पास आईफोन 13 है उसके साथ में और इसके साथ में दोनों के साथ में मैंने 5G करा, तो जब 5G इसके अंदर रहता था तब भी मतलब 5G आपको दोनों के अंदर काफ़ी ईजिली अच्छे से 5G वर्क करता है। तो 5G के हिसाब से और अगर प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। बढ़िया प्रोसेसर नहीं कह सकते, एक एवरेज वाला कह सकते हैं, एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं और गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। गाइस ओप्पो जाना जाता है अपने कैमरास के बारे में। एंड गाइस यहाँ पर आपको कैमरास की बात करी जाए जो मेन कैमरा है वो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है और उसी के साथ में दो कैमरास और नीचे देखने मिल जाता है। जो एक कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने मिल जाता है और जो थर्ड कैमरा है वो आपको 40x माइक्रो देखने मिल जाता है। एंड गाइस ये 40x माइक्रो है उससे मैंने टेस्ट किया है, लिटरली नेक्स्ट लेवल वाले रिजल्ट देखने के मिल जाते हैं। बट गाइस माइक्रो कोई यूज़ ही नहीं करता तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। एंड गाइस 64 मेगापिक्सल के कैमरास को मैंने टेस्ट किया है, मेन वीडियो के लिए भी मैंने टेस्ट किया है और उसके बाद में मैंने काफ़ी घर की और इधर उधर की फोटोज़ भी क्लिक करी है। उसकी अगर देख बात करी जाए तो आपको एक काफ़ी एवरेज मतलब ठीक ठाक वाली फोटो क्वालिटीज़, आपको जो कलर है वो आपको बढ़िया देखने मिल जाता है फोटोज़ के अंदर। उसी के साथ में जो लाइटनिंग है वो आपको एक सैचुरेटेड करके देता है। नाइट मोड के अंदर मैंने रात को फोटोज़ क्लिक करी है, उसके हिसाब से आपको काफ़ी ठीक ठाक फोटोज़ आपको देखने मिल जाती है। नाइट के अंदर भी आपको ठीक ठाक फोटोज देखने मिल जाती है। एंड गाइस बात करी जाए सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस मेरे को इसको सेल्फी कैमरा के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी, वो गाइस ये इसका जो पोर्ट्रेट मोड है कभी तो मेरे को काफी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था एंड कभी मेरे को एक मतलब अच्छे से पोर्ट्रेट ये नहीं करता था। एक ये मेरे को इसको सेल्फी कैमरा के अंदर थोड़ी सी मेजर छोटी सी एक प्रॉब्लम देखने मिली। एंड गाइस सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, उसके हिसाब से काफी आपको बढ़िया फोटोज एंड सेल्फीज आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ऑल ओवर गाइस कुछ ऐसा स्मार्टफोन है। एंड बात करी जाए इसकी बैटरी लाइफ की, बैटरी ड्रेन की, एंड गाइस इसके अंदर मैंने लिटरली 6-6 घंटे गेमिंग टेस्ट किया है, उसके हिसाब से अगर बैटरी ड्रेन की बात करी जाए तो आपको इजीली मैं इसे सुबह चार्ज करता था, इजीली मेरे को गेमिंग के साथ में मैं इसको वीडियोज़ एंड काफ़ी टेस्ट मूवीज़ वगैरह देखी है, एक दो वेब सीरीज का पार्ट्स देखे हैं, उसके हिसाब से गाइस मेरे को ये सुबह चार्ज करता था और लिटरली नाइट तक ये मेरे को बैटरी बैकअप देता था। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, उसी के साथ में ये 67 W को चार्जिंग के सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 80 W का सुपर वूक चार्जर देखने मिल जाता है जो चार्जिंग आपको 1.5 घंटे के अंदर फुल 0 to 100 आपको 100 चार्ज ये कर देता है। तो ऑल ओवर गाइस ऐसा कुछ स्मार्टफोन है। अगर बात करी जाए तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसकी, तो गाइस अगर ये स्मार्टफोन आपका 20,000 के अंदर ये लॉन्च होता है तो आपको इसको डेफिनेटली बाय कर लेना चाहिए। इसके अंदर कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मेरे को ऐसी नज़र नहीं आई। 20,000 के नीचे वाला जो स्मार्टफोन है उसके लिए ये काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है। कैमराज आपको अच्छे खासे देखने मिल जाते हैं, डिस्प्ले आपको अच्छी खासी देखने मिल जाती है, प्रोसेसर आपको एक एवरेज आपको ठीक ठाक प्रोसेसर देखने मिल जाता है। 20,000 के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर ये 20,000 से ज़्यादा अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो, अगर इसकी प्राइस रेंज अभी आ चुकी है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूंगा इसकी जो भी प्राइस रेंज आई होगी उसके हिसाब से, अगर आप ये 25,000 या 20,000 से ऊपर जाता है तो इसे बाय करने का कोई सेंस नहीं है। मैंने एक वीडियो किया है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, तो वो आप अगर चेकआउट कर सकते हो। एक 20,000 के अंदर पे आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, अगर 25,000 तक का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि बेस्ट स्मार्टफोन अभी कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ, अगर आप हमारे यहां तक वीडियो में देखते देखते आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय जय भारत।